एक ऐसा पवित्र त्योहार है जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब जाति पादी आदि सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लोग पुरानी से पुरानी शत्रुता भी भुला देते हैं। मगर ये सब मनाने के लिए भी कई लोग होली क्यों मनाते हैं ये नहीं जानते। होली क्यों मनाई गई? होली मनाए जाने का कारण कई लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए कई लोगों का प्रश्न होता है कि आखिर होली क्यों मनाते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। नमस्कार, मैं हूं अलग यादव और आप देख रहे हैं भक्ति सफर। वैसे तो होली पर कई कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो गहराई से हमारी संस्कृति एवं भाव से जुड़ी होती है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या किस्सा प्रचलित होता है। होली मनाए जाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो काफी अत्याचारी था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा बलशाली असुर था। अपनी शक्ति के मद से चूर होकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा। जो अपने को ही भगवान समझता था उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब उसी की पूजा करे, उसी को ही ईश्वर माने। प्रजा भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करती थी, पर उसका बेटा प्रहलाद ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने पिता की बात न मानी, उसने ईश्वर की भक्ति से ही खुद को लीन रखा। पिता के क्रोध की सीमा न रही, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी गई। पर ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। प्रहलाद तो बच गया पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का पर्व किस खुशी में मनाया जाता है, इसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दुष्टों का वध कर गोप व गोपियों के साथ रास रचाई, तब से होली का प्रचलन हुआ। वृंदावन में श्री कृष्ण ने राधा और गोप गोपियों के साथ रंग भरी होली खेली थी। इसी कारण वृंदावन की होली सबसे अच्छी और विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। इस मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण दुष्टों का संहार करके वृंदावन लौटे थे तब से होली का प्रचलन हुआ। हिंदू धर्म में एक ही त्योहार के मनाए जाने के पीछे कई कहानियां हैं, परंतु होली क्यों मनाते हैं इसके पीछे जुड़ी श्री कृष्ण की कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने रंगों के माध्यम से रास रचाई, तब से होली का प्रचलन हुआ। सूरदास, नंदास आदि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण और राधा की होली खेलने का बड़ा ही मनोहारी वर्णन उनके पदों में किया है। सूरदास, नंदास आदि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण और राधा के होली खेलने का बड़ा ही मनोहारी वर्णन उनके पदों में किया है। आज भी वृंदावन के कुंज गलियों में जब सुनहरी पिचकारी उसे रंग बिरंगे फुव्वारे छूटते हैं तथा अबीर गुलाल बिखरता है तो स्वयं देवता भी भारत भूमि में जन्म लेना चाहेंगे। देश विदेश से अनेक लोग वृंदावन की होली देखने आते हैं। मगर होली के विषय में सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और अत्याचारी हिरण्यकश्यप की ही है। होली क्यों मनाते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। यह हमें जानकारी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा और हिंदू धर्म और आधारित कथाओं और जानने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, जहां गुलाल और रंग से उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन लोग अपनी शत्रुता भूलकर शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। होली के रंग में रंगकर धनी निर्धन, काले गोरे, उच्च नीच, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध के बीच की सभी दीवारें टूट जाती है। मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। इस दिन सभी धर्म और जाति के छोटे बड़े एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली मनाए जाने के पीछे का भाव यह है कि लोग एक दूसरे से शत्रुता को भूल जाए और फिर से रिश्ते की शुरुआत करें। होली का त्योहार आपसी मतभेद और बैर को दूर करने का त्योहार है।
होली क्यों मनाते हैं ये जानने के साथ साथ देश देश सभी जगह होली का क्या प्रभाव है और सभी लोग होली कैसे मनाते हैं ये जानना भी आवश्यक है। विश्व के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह से होली खेली जाती है, कहीं फूल भरी होली तो कहीं लठमार होली, तो कहीं होली का नाम ही अलग होता है। होली खेलने का तरीका भले ही सबका अलग अलग है, लेकिन होली हर जगह रंगों के साथ जरूर खेली जाती है। तो आइए जानते हैं कौन से शहर में कौन सी होली खेली जाती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली का उत्सव एक भव्य प्रसंग है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ लोग देश विदेश से होली खेलने आते हैं। लोगों को मथुरा की होली बेहद भाती है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ जैसी होली कहीं नहीं खेली जाती। मंदिरों को सजाया गया है और घाटों के चारों ओर संगीतमय जुलूस सुने जा सकते हैं। लोग मजेदार रस्मों में भाग लेते हैं, जैसे लठमार होली, फूलन वाली होली और लोकप्रिय रंग वाली होली है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर होली उत्सव के लिए आकर्षक का केंद्र है, जहां लोग फूलों का उपयोग कर होली खेलते हैं। ये उत्सव आश्चर्यजनक और एक सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाला है। वहीं पंजाब में होली के ही दिन होला नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को बिल्कुल होली की तरह रंगों के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन भांगड़ा भी करते हैं। राजस्थान में होली के दिन सबसे अच्छे शहर अजमेर, उदयपुर, पुष्कर, बीकानेर और जयपुर हैं। उत्सव की शुरुआत होलिका के पुतलों को जलाने और होली की पूर्व संध्या पर अलाव जलाने से होती है। अगले दिन लोगों को लोक संगीत का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। लोक नाटकों और सड़कों पर नृत्य किया जाता है। राजस्थान में माली होली जैसी विविधताएं भी हैं, जहां पुरुष महिलाओं पर रंग फेंकते हैं, जबकि महिलाएं कपड़े या डंडे के टुकड़ों से प्रतिशोध लेती हैं। अब बात करते हैं केरल की, तो यहाँ होली को मंजूल कुली कहते हैं और कुछ मंदिरों में कोकड़ी समुदाय, कुडुम्बी और गौड़ सरावत ब्राह्मणों द्वारा मनाया जाता है। अनुष्ठानों में होली की पूर्व संध्या पर अलाव जलाना या देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए मिट्टी में मगरमच्छ का निर्माण करना और बुराई पर लड़ाई शामिल है। अगले दिन इन समुदायों के सभी सदस्य रंगों, पानी की बूंद के और नृत्य के साथ खेलते हैं। बता दूं कि हमारी होली विदेशियों को भी बहुत पसंद है, तभी तो वो होली खेलने भारत आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर्व के दिन व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर हल्का गुलाल डाल देना चाहिए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दो मुखी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है इस उपाय से आर्थिक स्थिति ठीक होती है। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।